open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights. इस लुक को अचीव करने के लिए मैं जो यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ मतलब पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, क्योंकि जल्दी से अगर हमें मेकअप करना है तो हल्का फुल्का मेकअप करें, क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम सही से ब्लेंड नहीं होते तो हमारा पूरा जो मेकअप बेस है वो बहुत ज्यादा खराब लगता है। एक बीबी क्रीम ऐसी चीज है जिसे हम बहुत जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, हमें जो लुक है वो भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस मिलेगा। तो इसे मैंने पहले एक कोट अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, उसके बाद क्योंकि मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स भी हैं और थोड़ी सी पिगमेंटेशन है फेस पर, अगर आपके भी इस तरह से है तो आप इसी को ऐसे कंसीलर अप्लाई कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे हम अपना कंसीलर अप्लाई करते हैं वहाँ वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे उसी वे में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलेगा। इसमें एक हल्का सा हाईलाइटर भी होता है, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, इसे लगाने के बाद आपका फेस ना खुद ही ग्लो करेगा जो फाउंडेशन और कंसीलर नहीं करते हैं। तो मुझे ये जो बीबी क्रीम है, ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना कॉम्पैक, आपके पास जो कॉम्पैक हो आप वो यूज़ कर लो, मेरे पास यहाँ एन वाई बे का है, तो इसे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट करूँ ताकि मुझे एक हल्का सा और टेंट मिल जाए अपने फेस पे और जो जो मेरा फेस है बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाए और ग्लोइंग लगे। मुझे आईब्रोज फिल करनी है तो यहाँ पे मैं अपना ब्लैक आई शेडो यूज़ करी, क्योंकि थोड़ा फेस्टिव सीजन है, थोड़ा सा हैवी मेकअप भी चल जाएगा, बट अगर आपको थोड़ा सा लाइट वे में चाहिए तो आप इसी को लाइट वे में लगा लो, अदरवाइज कोई भी आईब्रो पेंसिल हो उसका भी यूज़ कर सकते हो, अपनी आईब्रोज को एक अच्छे से शेप में फिल कर सकते हो। जो आपके नेचुरल आईब्रोज है ना उन्हीं को वैसे ही रहने दो, बस शेप को फॉलो करते हुए जो गैप्स उनको फिल कर दो। अब मैं यहाँ पे ये भी ब्राउन कलर का आई शेडो, आपके पास कोई भी आई शेडो हो उसमें से आप ब्राउन कलर पिक कर लो और इस तरह से ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन के ऊपर ऊपर जहाँ आपका आई सा कॉर्नर है वहाँ पे टच करते हुए इसको इस तरह से राउंड मोशन में लगा लो, लाइक वाइपर मोशन में, कार वाइपर मोशन जो होता है उस तरह से। बस आपको एक तरफ अपना हाथ रखना है और ब्रश को इधर ब्लेंड करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सेम मैं दूसरी आई पर भी कर रही हूँ, एक साथ करते हुए जाएंगे तो दोनों वाइज पर सिमिलर लगता है। इस तरह से मैंने कर लिया, उसके बाद मैं एक बार और ले रही हूँ थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में अपनी जो आउटर वी है वहाँ पे पॉइंट करते हुए लगाऊंगी और क्रीज लाइन पे जहाँ मैं अंदर साइड जाती हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में हल्का हल्का इसको ब्लेंड करूंगी ताकि जो लुक है वो थोड़ा सा ना साइड से स्मोकी और डार्क इफेक्ट लगे। फ्लैट ब्रश में मैंने दोबारा से ब्राउन कलर ले लिया है, सेम ब्राउन कलर, और उसे नीचे अपनी लोअर लैश लाइन पे मैं अप्लाई कर लूंगी ताकि हमें एक बहुत ज्यादा अच्छे से स्मोकी इफेक्ट भी मिले अपनी आईज में और आईज को जो है थोड़ा सा बिग लुक मिले और आई शेडो हमारा और भी ज्यादा फ्लॉलेस लगे। अब मैं यहाँ पे बीच में ना कोई आई शेडो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी से मेकअप करना है हमें, तो मेरे पास जो हाईलाइटर है, तो मेरे पास यहाँ मेकअप रेजोल्यूशन का हाईलाइटर है, आपके पास जो हाईलाइटर हो उसे अपनी फिंगर में लो और इस तरह से अपने लिड पर अप्लाई कर लो। अब कोई भी लाइनर ले लो, मेरे पास यहाँ ब्लू हेवन का लाइनर है, इससे मैं ग्रीन लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिव सीजन है, विंग लाइनर काफी ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लिया। आपके पास जो भी लाइनर हो आप उसकी हेल्प से अपना विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो और जल्दी से बहुत ज्यादा सुंदर सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो इस रक्षाबंधन पे। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूंगी, तो मेरे पास यहाँ फेसेस कैनेडा का मस्कारा है, आपके पास जो मस्कारा हो आप वो लो और अपने लैशेज को हल्का हल्का सा कर लो और कोट कर लो, नीचे भी लगा लो, नीचे वाले लैशेज पे उनको क्यों भूल रहे हो, क्योंकि हम जब लगाते हैं पाउडर ये सब तो जो लैशेज पे जम जाता है और वो जो लैशेज है वो ज्यादा खराब लगती है, इसलिए भी हमें मस्कारा लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो उनका नेचुरल कलर है वो आ जाए और अगर नेचुरल ब्राउन कलर है तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा जितना भी लैक बचा है उसे हम अपने आईब्रोज को सेट कर लेंगे। यहाँ ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एडीएस का ब्लश, एंड आपके पास जो ब्लश हो आप वो अप्लाई कर लो, अगर नहीं है आप लेना चाहते हो ये वाला तो ले लो, लोकल मार्केट में भी लोकल शॉप्स पे भी मिल जाएगा आपके घर के पास है। हाईलाइटर मैंने लिया है मेकअप रेगुलेशन का, आपके पास जो हाईलाइटर हो वो ले लो और अगर नहीं है और लाइट एंड के चाहिए तो ये वाला मंगवा लो, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसे लगा लूंगी अपने नोज पर, चीक्स पर, चिन पर, इस तरह से थोड़ा जो बचा है फॉरहेड पर मैं अप्लाई कर लूंगी। लिपस्टिक मैंने यहाँ पे ली है, ये बहुत ज्यादा सेम सा कलर है एंड वाई बे का, इसका जो शेड नंबर है डाल दूंगी, काफी ज्यादा प्यारा और अच्छा कलर है, इससे आपके जो लिप्स हैं बहुत ज्यादा कलर लगते हैं और बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मैचिंग के इयररिंग्स पहन लो, मैचिंग के नहीं है तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत चल रही है, ये पहनो हर किसी में परफेक्ट जाते हैं। ये जो मेकअप है ना आप किसी भी ड्रेस से पहनो हर किसी में परफेक्ट जाएगा। काजल लगाना मैं भूल गई थी, जल्दी जल्दी में आप लोगों से भी होता है ना भूल जाते हो, कोई बात नहीं अब लगा लो। तो मैंने भी यहाँ पे एंड वाई बे की काजल लिया, आपके पास जो काजल हो वो ले लो, नहीं है मंगवाना चाहते तो मंगवा लेना क्योंकि तेज भी तो आएगी नहीं, अभी फिलहाल जो है वो ले लो, बात के लिए मंगवा लेना इसको। तो मैं बस इसे आधी आईज पर लगा रही हूँ, पूरी आईज पर नहीं लगा रही हूँ। हेयर स्टाइल क्या है, मैंने बालों को खोल रखा है कुछ भी नहीं, बस मिडिल पार्टीशन करके इस तरह से कर लिया है, बहुत ज्यादा सिंपल इजी तरीका है। हाँ मेरे बाल अगर से कटे हुए उसके बाद भी मेरे बाल सेट हो गए, तो इसी जो ट्रिक चाहिए ना तो उसे तो कॉमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं आपको बता दूँ।
इस तरह से दुपट्टा डाल रहे हो और आप जो है बस परफेक्ट भी रेडी हो रक्षाबंधन के लिए। आई हो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लाइक करना भूल गए हो, कोई बात नहीं, अभी कर लो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वो क्यों भूल रहे हो, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छी लगे इस रक्षाबंधन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ज्यादा अच्छी नई वीडियो के साथ और रक्षाबंधन ब्लॉग के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।